गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैथ टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना, एंड टुडेज टॉपिक बी वाई मल्टीपल्स विल बी योर फैक्टर्स, क्लास फिफ्थ एंड चैप्टर सिक्स, पेज नंबर 97। पेज नंबर 96 में हमने फाइंड किया था कॉमन फैक्टर, देन उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किया। अब पेज पार्ट फाइव में हम क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर ट्री मैथ, मतलब नंबर्स को आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री मैथड आपको निकालना है। कैसे आप देखिए, हम नंबर्स को कैसे फैक्टर ट्री मैथड से आप फाइंड करते हो। फर्स्ट नंबर्स मैं ले लेता हूँ आपकी बुक्स, आप अपनी बुक में आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 96 में आपको स्टार्टिंग में हेडिंग में दिया होगा, टॉपिक का नाम दिया होगा फैक्टर ट्री। अब देखिए उसमें आपकी बुक्स में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 18, तो हम फर्स्ट 18 का फाइंड करते हैं फैक्टर ट्री मैथड से। देखिएगा 18 फैक्टर ट्री या फिर कॉमन फैक्टर या फैक्टर या मल्टीपल्स, इनके लिए क्या होना चाहिए, हमसे टेबल क्लियर बननी चाहिए। जैसे 18 को आपको क्या करना है, टू पार्ट में डिवाइड करना है, या फिर आप ये कीजिए 18 9 2 18 9 9 2 18। अब आप 3 को किस, आपको 3 को टू पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे आप करोगे, 3 3 9, ये आपके क्या हो गए। अब देखिए अब उनका अगर आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या जाएगा, 1 3 3 आएगा, इसमें भी आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 3 3। तो आप 2 को आप 2 पार डिवाइड करोगे, इनके निकालोगे फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 2। अब देखिए अब ये नंबर्स के बाद अब इनका क्या होगा, फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो बार बार के नंबर क्या होंगे, वो सेम रिपीट होते जाएंगे। जैसे 3 का फाइंड करोगे तो 1 3 3, देन आप फिर आप 3 का फाइंड करोगे 1 3 3। मींस यहाँ पे 18 का हमने क्या फाइंड कर लिया, फैक्टर्स फाइंड कर लिए फैक्टर ट्री मेथड से। अब हम नेक्स्ट 18 का अगेन फाइंड करेंगे, वो नंबर्स क्या होंगे वो चेंज होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिया था 9 2 18, बट अब मैं सेकेंड जो नंबर लूंगा 18 उसमें मैं क्या करूंगा, हल्का नॉर्मल यहाँ पे चेंज करूंगा 18, ये भी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, 18 का फाइंड कर रहा हूँ फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करूंगा। देखिए 6 3 18 6 3 18 6 का फाइंड करोगे क्या आएगा, 2 2 3 6, 3 का हम फाइंड करेंगे क्या होगा, 1 3 3। अब लास्ट में आप 2 का फाइंड कीजिए, 1 2 2, 3 का हम फाइंड करेंगे 1 3 3, लास्ट में वो क्या होगा, नंबर आपका रिपीट होता जाएगा। तो लास्ट में आप तब तक फाइंड कीजिए जब तक आपके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप देखिए आप 18 को और भी किसी मेथड से अगर आपको फाइंड करना है आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, आपकी बुक्स में दिया हुआ है 24 को हम फाइंड करते हैं। देखिए फैक्टर ट्री 24 का आप कैसे फाइंड करोगे, सेम आपको यही मेथड यूज करना है। 24 को आप टू पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब टू पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 24 को आप 2 and 4 राइट कर दीजिए, ये क्या है, ये रॉन्ग है। हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं 24 को। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे 12 2 24 कर सकते हो, 12 2 क्या होता है, ये भी 24 होता है, 12 2 24। नेक्स्ट 12 का फाइंड कीजिए क्या होगा, 6 2 12, 6 का फाइंड करेंगे क्या आएगा, 3 2 6, या फिर 2 3 6। नेक्स्ट आप 3 का फाइंड करोगे क्या आएगा, 1 3 2 का फाइंड करेंगे, 2 1 0, लास्ट में आप रिमाइनिंग में 2 1 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर्स क्या आ गए आपके, आपके और लास्ट में 1 2 0 1 3 0, ये नंबर्स उनके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अब मैं 24 को फाइंड करता हूँ, ये भी मैं किसी और में मैथड सेम ही होगा, बट यहाँ पे नंबर्स क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। जैसे देखिए 24 को फाइंड करते हैं सेकेंड 6 4 क्या होता है, 24 होता है, 6 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 24। नेक्स्ट आप 4 6 का कीजिएगा, 3 2 6, 4 को हम करेंगे क्या आएगा, 2 2 4, 3 1 3 3, नेक्स्ट 2 1 2 2, लास्ट में 1 2 0, लास्ट में यहाँ पे 2 का फाइंड कर सकते हो, 1 2 0। मीन्स अगर आप 24 का और भी नंबर्स का फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड कर सकते हो, जैसे हमको फाइंड करना है, मैंने फाइंड किया था 12 2 24, 6 4 24। अब आपको फाइंड करना है तो आप 8 3 कर सकते हो, 8 3
24, 8 3 से भी आप फाइंड कर सकते हो ये फैक्टर ट्रीज का। ये आपको ये फैक्टर ट्रीज क्या दे रहा हूँ, आपकी जो रिमेनिंग जो होंगी आपकी बुक में नंबर्स नहीं है वो आपको मैं नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ और वो आपके लिए क्या होंगे होमवर्क। फर्स्ट 36 का आपको फाइंड करना है फैक्टर ट्री, सेकेंड 100 का भी आपको फाइंड करना है, थर्ड 50, फोर्थ नंबर 25। मीन्स ये सब क्या आपको क्या फाइंड करने हैं, आप फैक्टर ट्री मेथड से आपको ये फाइंड करना है। अब आपका क्या हो गया, ये जो चैप्टर चैप्टर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आप जितने भी आपके चैप्टर 6 के जितने भी टॉपिक थे वो आप रफ में आप अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।